नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कुल्लू, शिमला, मसूरी, श्रीनगर जैसे हिल स्टेशन में घूम घूम के बोर हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में कुछ ऐसे हिल स्टेशन के बारे में जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते और आधा से ज़्यादा लोगों ने तो इनका नाम भी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको इन हिल स्टेशन की पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आपका यहाँ रहने का और खाने का खर्चा कितना होगा और इन हिल स्टेशन में कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। टॉप 5 अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन इन इंडिया। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आता है रैथल विलेज उत्तराखंड। रैथल विलेज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बसा एक बहुत ही सुंदर और हिस्टोरिकल जगह है। हिस्टोरिकल इसलिए क्योंकि आपको यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुत पुराने घर देखने को मिलेंगे जो काफी खूबसूरत है। यहाँ पहुँचने के लिए आप देहरादून या ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए बस लेनी होगी, जिसका प्राइस आपको 400 रुपये तक पड़ेगा। फिर उत्तरकाशी से आपको रैथल विलेज के लिए लोकल गाड़ी या बस मिल जाएगी, जिसका प्राइस आपको 100 रुपये तक पड़ेगा। रैथल विलेज उत्तरकाशी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रैथल गांव में आपको बड़ी आराम से होमस्टे मिल जाएंगे। इन होमस्टे का प्राइस आपको 1000 से 1500 के बीच पड़ेगा। आप यहां पंचपुरा घूम सकते हैं, जो कि 500 साल से भी ज़्यादा पुराना एक घर है। साथ में आप यहां के सोमेश्वर मंदिर भी घूम सकते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। आपको बताना चाहेंगे कि रैथल गांव से ही दयारा बुग्याल के लिए ट्रैक शुरू किया जाता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है जवार महाराष्ट्र। जवार थाने जिले में बसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा हिल स्टेशन है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यह जगह अपने हरे भरे पहाड़ों और सुंदर झरनों के लिए फेमस है। यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट नासिक पड़ता है, जो कि यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। नजदीकी रेलवे स्टेशन इगतपुरी पड़ता है और मुंबई से जवार तक का डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम जून से मार्च के बीच का होता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ का मौसम काफी सिनेमेटिक वाइब देता है। यहाँ पर आप घूमने के लिए दबदबा वाटरफॉल, जय विलास पैलेस, हनुमान पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट जैसी जगह घूम सकते हैं। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है चटपल जम्मू कश्मीर। बहुत से लोग श्रीनगर और गुलमर्ग तो घूमने जाते ही हैं, लेकिन चटपल दक्षिण कश्मीर में बसा हुआ एक बेहद ही सुंदर हिल स्टेशन है। चटपल की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की खूबसूरती तो पूरी दुनिया में ही फेमस है, पर यह हिल स्टेशन एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको अभी वही पुराने समय वाली फीलिंग आएगी। मतलब बिना किसी बिजली के लोगों का यहाँ रहना, यहाँ की खूबसूरत वादियों के नज़ारे, यहाँ की शांति का माहौल बाकी हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग है। आधे से आधे लोग इस हिल स्टेशन के बारे में नहीं जानते, जिस वजह से यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत कम रहती है। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम अप्रैल से जून के बीच का है। यह हिल स्टेशन श्रीनगर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का नज़दीकी एयरपोर्ट श्रीनगर पड़ता है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन जम्मू तवी पड़ता है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 220 किलोमीटर है। इसके आसपास घूमने के लिए अरब वैली, मर्दन टेम्पल, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जैसी जगह घूम सकते हैं। नंबर 4 पे आता है बीर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की घाटियों में बसा हुआ बीर एक बहुत ही खूबसूरत घाटी है। यह जगह हिमाचल की कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस जगह को पैराग्लाइडिंग कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको तिब्बतन कंचन देखने को भी मिलेगा। यह जगह मेन अपने पैराग्लाइडिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिस वजह से यहाँ पर बाहर देश से ज़्यादातर लोग पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी करने के लिए आते हैं। इस जगह का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट पड़ता है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से 70 किलोमीटर है। यहाँ का नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जिसका डिस्टेंस लगभग 140 किलोमीटर है। और बाय रोड अगर आप दिल्ली से बीड़ तक वोल्वो बस में आते हैं तो उसका प्राइस आपको 1200 से 1500 रुपये के बीच पड़ेगा। दिल्ली से बीड़ तक का डिस्टेंस 550 किलोमीटर है। यहाँ पर होटल प्राइस आपको 1500 से 3000 के बीच आपकी पसंद के हिसाब से मिल जाएंगे। यहाँ पर घूमने के लिए आप तिब्बतन मोनेस्ट्री, बंगोरू वाटरफॉल, डियर पार्क इंस्टीट्यूट जैसी खूबसूरत जगह घूम सकते हैं। साथ में एडवेंचर एक्टिविटी जैसे हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग भी कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है तवांग अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ तवांग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह जगह मेन अपने साइट सीइंग के लिए फेमस है, क्योंकि इस सफर में आपको रास्ते में बहुत सारे स्पॉट दिखने को मिलेंगे। आपको बताना चाहेंगे यहाँ घूमने के लिए आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी। यह जगह मेन अपने ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री के लिए भी फेमस है। यहाँ पर घूमने का बेस्ट टाइम मार्च से सितंबर के बीच का है। यहाँ पर होटल का प्राइस आपको 1500 से 2000 के बीच पड़ेगा। यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट पड़ता है, जिसका डिस्टेंस लगभग 480 किलोमीटर है। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रंगापारा रेलवे स्टेशन है। बाय रोड आप गुवाहाटी से तवांग के लिए डायरेक्ट बस या कैब बुक कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आप सेला पास, तवांग मोनेस्ट्री, नूरानंग हॉल, माधुरी लेक जैसी बहुत सारी जगह घूम सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।